कौन बनेगा करोड़पति में एक करोड़ जीतने वाला बच्चा बना आईपीएस ऑफिसर। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया और अब गुजरात के पोरबंदर के पुलिस अधीक्षक के रूप में है कार्यरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ और मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र। टेलीविजन के मशहूर क्विज गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में अब तक कई लोग करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2001 में एक लड़के ने महज 14 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए जीते थे। उस लड़के का नाम था रवि मोहन सैनी, जिसने बाद में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया और अब गुजरात के पोरबंदर में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत है। आपको बता दें कि सभी 15 सवालों का जवाब देकर जहां ये बच्चा करोड़पति बना था, वहीं यह बच्चा रवि सैनी राजस्थान का रहने वाला है। रवि मोहन सैनी इसका पूरा नाम है, वह मूल रूप से राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। वह उसके पिता नौसेना के रिटायर्ड अफसर हैं। पिता की पोस्टिंग की वजह से उसकी स्कूली पढ़ाई आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना पब्लिक स्कूल में हुई और एकेडमिक करियर में टॉपर रहे। 12वीं के बाद इसने जहां एमबीबीएस की पढ़ाई की, वहीं आपको बता दें कि ये बच्चा एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप किया और उसके बाद 1 साल के यूपीएससी की असफलता के बाद दूसरे प्रयास में इसने यूपीएससी में स्थान तो पाया, पर तीसरे प्रयास में जाकर ये बना आईपीएस ऑफिसर।